तो भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को आगे जाके कौन सा सुपरस्टार हराने वाला है एंड देन भाई उनके टाइटल को लेके अनडिसिपेटेड चैंपियन बनने वाला है। तो भाई इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रूमर्स, अकॉर्डिंग टू बेटिंग ऑड्स एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। तो भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियोज हर रोज आपको देखने को मिलती रहती हैं। तो भाई रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस अपने टाइटल को हारने वाले थे एंड देन भाई कोडी रोड्स WWE के अनडिसिपेटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले थे ऐसा माना जा रहा था एंड देन भाई ऐसा रूमर्स का कहना था। लेकिन भाई एट द एंड रोमन रेंस अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं एंड कोडी रोड्स को भी डिथ्रोन कर देते हैं। उसके बाद से बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई रोमन रेंस को आखिर में कौन हराएगा एंड देन भाई रोमन रेंस कब अपने टाइटल को हारेंगे और कौन सा सुपरस्टार होगा जो कि रोमन रेंस को हराएगा। तो भाई ऐसे में डैम एंजल का कहना है कि रोमन रेंस अभी हारने नहीं वाले हैं रेसलमेनिया 40 तक। भाई ये जान के आप जरूर शॉक्ड हो जाएंगे लेकिन भाई WWE के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं डैम एंजल, वो कहते हैं कि रेसलमेनिया 40 तक रोमन रेंस एज ए चैंपियन ही आपको देखने को मिलने वाले हैं एंड देन भाई रोमन रेंस नेक्स्ट रेसलमेनिया 40 को भी मेन इवेंट करने वाले हैं जो कि अपने चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट कोई भी सुपरस्टार हो या कोडी रोड्स हो या सेथ फ्रीकन रॉलिंस हो किसी के भी सामने। लेकिन भाई एक चीज़ और डैम एंजल कहते हैं कि रोमन रेंस अपने एक टाइटल को हार जाएंगे और एक टाइटल ही रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 तक लेके जाने वाले हैं। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस अपने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को हार जाएं एंड देन भाई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस जाएं रेसलमेनिया में 40 में लेकर के। एंड देन भाई रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट की बात करें तो भाई ऐसा कुछ रूमर्स का कहना है कि सेथ रॉलिंस भी रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं SummerSlam में एंड देन भाई सेथ रॉलिंस भी रोमन रेंस से एक टाइटल जीत सकते हैं। एंड देन भाई कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का जो फ्यूड है वो WWE अभी नहीं कराएगी एंड देन भाई WWE अब दूसरे पाथ पे ले जा रही है कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के फ्यूड को और रेसलमेनिया 40 को देख रही है मेन इवेंट करवाने के लिए क्योंकि भाई बेटिंग ऑड्स में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच अभी से भी क्लियर फेवरेट है कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मेन इवेंट होने वाला है। तो भाई ऐसा आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का फ्यूड आपको अप्रमैक्स सर्वाइवर सीरीज के बाद या रॉयल रंबल के बाद 2024 में देखने को मिले। 23 में भाई कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस अब एक दूसरे के सामने नहीं आने वाले हैं एंड देन भाई ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स का फ्यूड आगे जाके आपको देखने को मिलेगा और भाई रोमन रेंस एज ए चैंपियन आपको रेसलमेनिया 40 तक देखने को मिलेंगे। एंड देन भाई दो तीन नाम है जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं, सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स एंड देन भाई गुंथर का भी नेम आ रहा है कि रोमन रेंस ये लोग टाइटल ले सकते हैं। एट द एंड देखिए भाई क्या होने वाला है और डैम एंजल ये भी कहते हैं कि द ब्लड लाइन जब तक साथ है तब तक रोमन रेंस अपने टाइटल को नहीं हारने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, चलो प्लीज लाइक कीजिएगा, तब तक लिए धन्यवाद।